तो गाइज आपके सामने फिलहाल है रेड कॉलर लॉरीकीट का ब्रीडिंग पेयर। हमारे यहाँ पे रेड कॉलर लॉरीकीट की ब्रीडिंग आई हुई है, फर्स्ट ब्रीडिंग है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है लॉरीकीट की ब्रीडिंग लेने से पहले। तो देखिए फिलहाल आपने यहाँ पे जो दो एग्स देखे हैं ये इनका एवरेज कद साइज़ है, ये जनरली 2 से 3 एग्स ले करते हैं, और इनका फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग है तो हो सकता है कि ये इनफर्टाइल भी हो, कुछ गारंटी नहीं है क्योंकि ये एक दो क्लचेस तो ख़राब करते ही करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं ये, और क्योंकि इनका फर्स्ट क्लच है तो मैं इनको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि अगर आप रेड कॉलर लॉरीकीट की ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो कैसे पता चले कि कैसे ब्रीडिंग लेनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका केज का साइज़ क्या होना चाहिए, उनका नेस्ट बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं, या बच्चों को हैंड फीडिंग से कब उठाना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो बात करेंगे अगर रेड कलर लॉरीकीट्स की तो ये जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एंड इनकी अगर मैं ब्रीडिंग एज की बात करूँ तो ये मैच्योर हो जाते हैं 8 महीने में, 8 मंथ्स में मैच्योर होकर ब्रीडिंग कर सकते हैं, बट हम एडवाइस ये करते हैं कि आप कम से कम साल भर का वेट करिए और फिर ही इनसे जाके आप ब्रीडिंग लीजिए, एंड उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से ब्रीड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इनके केज के बारे में, तो कई अगर केज के साइज़ की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज जो आपके पास केज साइज़ कम से कम होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 फिट बाई 1.5 फिट बाई 1.5 फिट के केज का, अगर उससे बड़ा है केज तो बेस्ट है, 3 फिट का केज है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ है 2.5 फिट का जो केज आप सामने देख पा रहे हैं इसमें भी अच्छी ब्रीडिंग कर लेते हैं। अब खैर आगे बढ़ के बात करते हैं नेस्ट बॉक्स के बारे में, तो गाइस इनके नेस्ट बॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो कॉकटेल का नेस्ट बॉक्स है आप सामने देख ही पा रहे हैं, कॉकटेल के नेस्ट बॉक्स में ब्रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा गहरा नेस्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, मतलब जो कॉकटेल का नेस्ट बॉक्स होता है स्टैंडर्ड साइज़ का वो है 12 बाई 12 बाई 12 इंच का, मतलब 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1 फिट का होता है। अगर आप गहरा बनाना चाहें, मतलब 1 फिट बाई 2 फिट बाई 1 फिट का नेस्ट बॉक्स बनाना चाहे तो उसमें भी ये ब्रीडिंग कर लेंगे। ध्यान ही रखिएगा कि ये लोग बोलते हैं खैर कि इजी है इनकी ब्रीडिंग कराना, बट इतना आसान है नहीं, आप जो ये अंडे देख पा रहे हैं ये इतने आसानी से इन्होंने नहीं दिए, हमने कुछ बातों का ध्यान रखा है उसके बाद ही जाके हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग आई है। इनको काफ़ी प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है, एडवाइजेबल ये है कि आप इनको इनके केज को किसी कॉर्नर में रखें एंड इनको थोड़ी प्राइवेसी वगैरह दें जहाँ पे इतने लोगों को ये नहीं देखते हों, क्योंकि मैंने देखा तो है कि मेटिंग करते हैं, नेस्ट बॉक्स में जाते हैं और ऐसे सालों साल तक करते रहते हैं, बट ब्रीडिंग तभी करते हैं जब इनको लगता है कि प्रॉपर इनको सिक्योरिटी और सेफ्टी और इनकी प्राइवेसी इनको मिल गई है। ठीक है, तो अगर आप अपने लॉरीकीट को ब्रीडिंग करते हुए मेटिंग करते हुए देख रहे हैं तो इतना खुश नहीं होना, क्योंकि ये मेटिंग ब्रीडिंग तो करते रहते हैं बट एग्स तभी ले करेंगे जब इन ये कंफर्टेबल होंगे अपने नेस्ट बॉक्स और अपने सराउंडिंग्स के साथ। अब अगर मैं इनके बेबीज़ की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ये 2 से 3 अंडे देते हैं और ऑन एन एवरेज 2 या 3 बच्चे बड़े करते हैं, जनरली 2 बच्चे बड़े करते हैं, और इनके बच्चे जो है 10 से 11 वीक में खुद से खाने पीने लग जाते हैं, 10 से 11 हफ्तों में खुद से सेल्फ पे हो जाते हैं। अगर आप हैंड फीडिंग में निकालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, हैंड फीडिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चा आप निकाल रहे हैं वो कम से कम हो 2 हफ्ते का, उसके बाद ही आप निकालें तो बेस्ट रहेगा। ध्यान ये रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल बर्ड है, लॉरीकीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों को, अपने अंडों को लेकर, तो ज़्यादा आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये अपने अंडे खुद ही फोड़ के खा जाते हैं, वो कैल्शियम की वजह से भी करते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से, जो आप पूरा कर सकते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट देकर, और अगर आप इनको ज़्यादा छेड़छाड़ करें तब भी अपने एग्स को तोड़कर खुद से खा जाते हैं, और बेबीज़ भी होते हैं तो बेबीज़ को भी ये मार देते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, अगर इनको सेफ नहीं लगता तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इवन दो इन्होंने ब्रीडिंग कर ली होती है, अंडे बच्चे कर दिए होते हैं, तब भी आप इनको प्राइवेसी दीजिए और तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। खैर आगे बढ़ के अगर हम बात करें इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉरीकीट के मामले में, आपको पता ही होगा ये जनरली पॉलन पीकर जो है ये ज़िंदा रहते हैं नेचर में, बट यहाँ हमारे यहाँ पे लॉरीकीट का फूड मिक्स आता है, ठीक है, हैंड फीडिंग फॉर्मूला टाइप होता है, आप उसको भिगो लीजिए और नेक्टर बोलते हैं, ठीक है, नेक्टर खा के बड़े होते हैं, नेक्टर पी के बड़े होते हैं और सर्वाइव करते हैं, तो लॉरी नेक्टर आपको मिल जाता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स का लॉरी नेक्टर अवेलेबल है मार्केट में। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग कुछ भी, मतलब वो हैंड फीडिंग फार्मूला या फिर जो ग्लूकोज बिस्किट्स हैं उनको मिला के दे देते हैं, जो कि नहीं देना। इनकी इनका जो लाइफ स्पैन है वो 28 से ज़्यादा साल ही आराम से जी सकते हैं, तो इनके लाइफ स्पैन को आप कहीं ना कहीं
खराब कर रहे हैं और इनको बीमारी अंदर से हो सकती है अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ें इनको देंगे और इनको इनका खाना नहीं देंगे तो। आप इसके अलावा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं जो कि आपको 4 से 5 घंटे बाद हटा देना है क्योंकि ख़राब हो जाता है। इनको आप सीड मिक्स भी दे सकते हैं जो कि खा रही ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने सीड मिक्स दिया हुआ है क्योंकि देखिए जो लॉरिकीट्स है ना इनका जो मुंह है इनका जो बीक है ये अलग टाइप का बना हुआ है, तो आपको इस चीज़ को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और इनकी डाइटरी भी वैसी ही रखनी पड़ेगी। तो डाइट में अगर आप सॉफ्ट फूड की जगह आप सीड मिक्स भी दे रहे हैं तो भी ये खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनके पास पानी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो। इनकी जो बीक होती है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नेक्टर पीने के लिए बनी है, ये सीड छोड़ने के लिए नहीं बनी है। इनका जो टंग है वो भी अलग टाइप का होता है दूसरे पैरट से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फ्रूट्स की, तो ये फ्रूट बहुत अच्छे से खाते हैं, स्पेशली वो फ्रूट जिसमें जूस होता है, ठीक है। उसको ये आराम आराम से मतलब बहुत प्यार से उनका उसका रस जो है पी जाते हैं, एंड जो फ्रूट बच जाता है जो गूदा बच जाता है उसको फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लॉरिकीट अगर आप पालेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे ही आप इनकी अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये पॉटी जो करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वाटरी खाना खाते हैं तो इनकी पॉटी भी बहुत ज़्यादा वाटरी होती है। ये पिचकारियाँ मारते हैं एंड केज के आसपास का इलाका पूरा गंदा हो जाता है। साथ में इनके क्योंकि जो पूप होता है वो सॉलिड नहीं होता, वो काफ़ी लिक्विड टाइप का होता है, तो इससे स्मेल भी आती है, तो आपको रेगुलर क्लीनिंग भी इनके केज की करनी पड़ेगी। यही सारी टिप्स थी, यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉरिकीट की ब्रीडिंग लेने से पहले या लॉरिकीट की ब्रीडिंग लेने के बाद। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए एंड देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेटिंग। बाय बाय।